Hello and welcome again my friends and dear student, myself Mahindra Devanda. आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं न्यूरोकेमिकल टेक्निक के बारे में. न्यूरोकेमिकल टेक्निक एक प्रकार की टेक्निक है, ये हम कह सकते हैं एक मेथड्स होता है जो कि मेथड्स ऑफ स्टडिंग एनिमल बिहेवियर का पार्ट होता है. यानी हम जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन के लिए कई प्रकार की विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें से एक विधि न्यूरोकेमिकल टेक्निक भी है. जंतुओं के व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है. एक तो अध्ययन किया जाता है कि उनके नेचुरल हैबिटाट में, जिसको हम स्टडी इन द वाइल्ड और नेचुरल हैबिटाट के रूप में समझते हैं, जिसके बारे में मैं आपको पहले वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ, जिसमें हम एड लिबिटम, फोकल एनिमल सैम्पलिंग, स्कैन सैम्पलिंग, ऑल अकरेंस सैम्पलिंग, सिक्वेंस सैम्पलिंग और 1-0 सैम्पलिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले प्रीवियस वीडियो में. लेकिन दूसरा जो मेथड था, जिसको हम किसी भी एनिमल का जो बिहेवियर का जो अध्ययन है वो लेबोरेटरी के माध्यम से, यानी लेबोरेटरी के अंदर हम वो प्रयोग करके उसके बिहेवियर का पता करते हैं, या हम ये कहें कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है उसके बारे में है. तो सेकेंड मेथड है जो कि है लेबोरेटरी मेथड, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल मेथड भी कहते हैं. उसके अंतर्गत तीन डिफरेंट मेथड शामिल होता है, जिसमें से फर्स्ट वन हम जान चुके हैं, दैट इज़ द न्यूरो एनाटोमिकल टेक्निक और मेथड. सेकंड है न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक, और थर्ड जो है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं वो न्यूरोकेमिकल टेक्निक है, जिसके बारे में अब हम डिटेल से जानने वाले हैं. तो हम ब्रीफली इनको समझते हैं. ये तीन विधियाँ हैं, न्यूरो एनाटोमिकल, न्यूरोफिजियोलॉजिकल एंड न्यूरो केमिकल. तो हम इस थर्ड वन को, क्योंकि इनके बारे में तो हम बात कर चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में इसमें समझने का प्रयास करेंगे. सबसे पहले हम ब्रेन की एनाटोमी के बारे में समझते हैं कि इसमें हम जानते हैं कि फ्रंटल लोब होते हैं, टेम्पोरल लोब होते हैं, पैराइटल लोब होते हैं, ऑक्सीपिटल लोब होते हैं. मेजर रूप से इसमें ये चार अलग अलग लोब्स पाए जाते हैं. सो इन ब्रेन में जो पाए जाने वले जो न्यूरोन्स हैं उनका रिलेशन किस तरह से रासायनिक रूप से व्यवहार को प्रभावित करते हैं, या किसी केमिकल के माध्यम से जो ब्रेन में पाए जाने वाले जो न्यूरॉन्स हैं वो व्यवहार को किस तरह से प्रभावित करते हैं, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में. सो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझते हैं, न्यूरोकेमिकल टेक्निक ऑफ स्टडिंग एनिमल बिहेवियर के बारे में. सो हम सिंपली इसको कहें द स्टडी ऑफ केमिकल्स, यानी उन रसायनों का अध्ययन, दैट इन्फ्लुएंस द फंक्शंस ऑफ न्यूरोन, जो कि जो न्यूरॉन्स के जो फंक्शंस हैं या तंत्रिकाओं के जो फंक्शन हैं उनको प्रभावित करें विथ रेस्पेक्ट टू एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, यानी उसके व्यवहार. यहाँ पर व्यवहार का मतलब जंतु के व्यवहार से संबंधित है, यानी जंतु के व्यवहार के अध्ययन को एनालिसिस करने के लिए न्यूरॉन्स के फंक्शन का उसके केमिकल के माध्यम से हम किस प्रकार से उसको प्रभावित करते हैं उसके बारे में समझने के लिए हम न्यूरोकेमिकल टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं. या हम सिंपली रूप से कह सकते हैं कि किसी जंतु के व्यवहार को अगर कोई केमिकल प्रभावित कर रहा है तो वह न्यूरॉन में इन्फ्लुएंस के कारण या न्यूरॉन्स में उद्दीपन के कारण ये प्रभाव प्रदर्शित होता है, व्यवहार प्रदर्शित होता है. सो अगर हम देखें कि न्यूरॉन्स में या न्यूरो एनाटोमी में कौन कौन से भाग होते हैं, सामान्यतः हम एक भाग ही जानते हैं. सो इसमें जो पार्ट्स हैं उसके बारे में जानते हैं. सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रेन के बारे में. ब्रेन इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, तो इसमें चार अलग अलग लोब्स पाए जाते हैं. इसके अलावा सिनेप्स पाए जाते हैं, यानी दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप पाया जाता है उसको हम सिनेप्स कह सकते हैं, या कई बार हम उसको भी एक जंक्शन के रूप में जानते हैं, जो कि एक मसल्स और दूसरी तरफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, उसको हम सिनेप्स भी कहते हैं. नेक्स्ट जो है वो है न्यूरॉन के रूप में, जिसको हम काफ़ी फेमिलियर हैं. न्यूरॉन्स को हमने बहुत बार अध्ययन भी किया है, इसकी स्ट्रक्चर को हम पढ़ते भी हैं. इसके अलावा न्यूरोग्लिया, कई प्रकार की जो सेल्स होती है उसके बारे में भी. तो बेसिकली यहाँ पर इन पिक्चर को रखने का पर्पज़ ये था कि हम जो न्यूरॉन है उनसे संबंधित कुछ सेल्स के बारे में जान सके, इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है, क्योंकि इन सेल्स को कहीं ना कहीं किसी केमिकल के
केमिकल के उद्दीपन से किसी जंतु के व्यवहार प्रभावित होते हैं, उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूरोकेमिकल टेक्निक के बारे में। तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि हमें इस टेक्निक की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमने इससे पहले न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक के बारे में भी पढ़ा है, न्यूरो एनाटोमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम इस मेथड को ही क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे कारण हम समझते हैं। द इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन कैन नॉट क्लियरली डेमोस्ट्रेट वेदर द एरिया स्टिमुलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ द बिहेवियर पैटर्न। किसी भी जंतु के व्यवहार को जब हम न्यूरोफिजियोलॉजिकल मेथड्स में पढ़ रहे थे कि उसमें इलेक्ट्रिक उद्दीपन के माध्यम से किसी जंतु के व्यवहार में जो भी प्रदर्शन किया जाता है, तो हम उससे पता लगते हैं कि ब्रेन के उस भाग से, पर्टिकुलर किसी भी भाग से किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित होता है। लेकिन उस मेथड में एक कमी थी कि हमें पूरी तरह से ये पर्टिकुलर एक लोकेशन, पर्टिकुलर जो स्पॉट है वो पता नहीं चल पा रहा था कि वो उस व्यवहार को प्रभावित करता है या नहीं कर पाता है, यानी वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है या नहीं है। क्योंकि उस जब हम इलेक्ट्रिक स्टिमुलस देते हैं तो उस पर्टिकुलर न्यूरॉन के अलावा आसपास के न्यूरॉन भी उससे स्टिमुलेट होते हैं, उससे उद्दीपित होते हैं, जिसे एग्जैक्ट उस व्यवहार के प्रदर्शन की स्थिति ब्रेन के अंदर पता नहीं लग सकती है। इसलिए द डेवलपमेंट ऑफ केमिकल ब्रेन स्टिमुलेट टेक्निक, और जिसको हम न्यूरोकेमिकल मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर भी कहते हैं, वाज ड्राइव बाय द रिसर्च फॉर ए सिग्निफिकेंट केमिकल कोडिंग ऑफ द बिहेवियर। पर्टिकुलर किसी व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा भाग उस एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो इसके लिए न्यूरोकेमिकल टेक्निक का विकास किया गया, जिसके अंदर न्यूरॉन्स आर अफेक्टेड मोर सेलेक्टिवली, जिसके अंतर्गत जो न्यूरॉन्स होते हैं वो प्रिसाइजली यानी बिल्कुल विशेष रूप से प्रभावित होते हैं, या उन्हीं न्यूरॉन्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो पर्टिकुलर न्यूरॉन्स पे हम कार्य कर रहे हैं। द न्यूरॉन्स आर अफेक्टेड मोर सेलेक्टिवली इन देयर बिहेवियरल एक्टिविटी बाय द लोकल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स का आशय यहाँ पर मेडिसिन से है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ब्लॉकिंग एजेंट्स हो सकते हैं और हॉर्मोन्स हो सकते हैं, या सिंपली हम कह सकते हैं जो भी हमारा जो टारगेट न्यूरॉन्स है वहाँ तक उस केमिकल को भेजने के बाद में जंतु के व्यवहार में किस तरह के बदलाव आ सकता है, और वो केमिकल किस रूप में हो सकता है, वो ड्रग्स के रूप में हो सकता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में हो सकता है, वो ब्लॉकिंग एजेंट के रूप में हो सकता है, हार्मोन्स के रूप में भी हो सकता है। वो केमिकल तो किसी भी फॉर्म के रूप में हो सकता है जिससे वो पर्टिकुलर न्यूरॉन को प्रभावित करके व्यवहार को प्रदर्शित करता है। इसी में हमने कई बार सुना है, जैसे कि अल्कोहल कंज़म जो करते हैं, ओपियम जो लेते हैं और हाशीश जो लेते हैं, हैव ट्रेडिशनली बीन यूज बाय मैन टू रिड्यूस पेन, जो कि कुछ दर्द निवारक के रूप में भी काम में लिया जाता है, प्रमोट रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन को भी और स्लीप को और यूफोरिया की कंडीशन को के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये एक तरह से इनके कई बार नशे की आदत भी हो जाती है। तो अल्कोहल, ओपियम और हशीश परंपरागत रूप से भारत में इसका प्रयोग होता रहता है, जिसको हम कई बार दर्द को कम करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, या नींद नहीं आ रही तो अभी इनको लेने, या यूफोरिया की कंडीशन के लिए इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये जो टर्म है यूफोरिया, इसको आपको ध्यान में रखना है। यूफोरिया को कहते हैं हम ए फीलिंग ऑफ वेलबींग, यानी एक अच्छा महसूस कराने की वो एक कंडीशन होती है, जिसको हम यूफोरिया के नाम से जाना जाता है। यानी फोरिया मीन्स जो हमें फीलिंग आ रही है, और वो कैसी फीलिंग आ रही है, यू मीन्स एक अच्छी फीलिंग आ रही है। तो वो सिर्फ महसूस हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को इस तरह से एक्टिवेट करते हैं कि हमें सिर्फ खुशी का या अच्छा महसूस कराने के लिए ये मददगार होती हैं, लेकिन इनकी आदत भी हो जाती है, इसलिए ये नुकसानदायक भी होते हैं लंबे समय तक प्रयोग करने से। जैसे कि आपने सुना होगा, इन इंडिया भांग, आल्सो नोन एज, जिसको हम कैनबिस कहते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द कैनबिस इंडिका। कैनबिस इंडिका एक प्लांट है जिसकी पत्तियों से कैनबिस प्राप्त किया जाता है, या हम कह सकते हैं भांग एक पौधा है उससे प्राप्त किया जाता है। हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन एंड एसोसिएटेड विद द फेस्टिवल्स ऑफ फन एंड फ्रियोवलिटी।
तो इसका संबंध हमें उल्लास से, उत्सव से, कई सारे खुशी के माहौल में इनको, भांग को प्रयोग में भारत में लंबे समय से किया आता जाता रहा है। एडिक्शन यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल हैड लेड मैनी क्रिमिनल पाथवे। ये भी देखा गया है कि जो भी ड्रग्स और अल्कोहल कंजम्पशन करने वाले लोग कई बार एक क्रिमिनल पाथ भी अपना लेते हैं, क्योंकि वो उसी प्रकार का जीवन जीने में विश्वास हो जाता है, वो उस तरह से उनको रोज़ उनकी आदत सी एडिक्शन हो जाता है उनका। तो कंटिन्यूसली यूज़ करने से इनके ड्रॉबैक भी होते हैं, लेकिन इनिशियली इनको किसी बीमारी के इलाज के लिए, जैसे कि किसी को नींद नहीं आ रही तो उसके लिए वो प्रयोग करना, या कोई टेंशन में है उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए प्रयोग में लिया जाता था, लेकिन बाद में इसकी एडिक्शन होने से इनके नुकसान भी होते हैं। सो यहाँ पर हम ब्रेन के अलग अलग पार्ट देख पा रहे हैं, जिसके ये पार्ट हमने कैसे पता किया, जैसे कि यहाँ पर स्पीच का एरिया है, ये स्मेल का एरिया है, ये हियरिंग का है, ये टेस्ट का है, ये स्पीच का है, ये रीडिंग एरिया है, ये सोमेट्रिक एसोसिएटेड एरिया है, ये विजुअल कॉर्टेक्स का एरिया है या विजन का होता है, ये हमने कैसे पता किया। तो इसका कारण क्या रहा कि पर्टिकुलर जो सबसे पहले हमने न्यूरो एनाटोमिकल, उससे थोड़ी बहुत हमें जानकारी प्राप्त हुई, उससे एडवांस फिर न्यूरो फिजियोलॉजिकल आई, और वर्तमान में जो न्यूरो केमिकल टेक्निक है जिसमें हम कई बार दवाओं के माध्यम से किसी पेशेंट को भी हम ठीक करते हैं कि पर्टिकुलर किसी एरिया में अगर कोई दिक्कत हो तो वहाँ के पर्टिकुलर लोकेशन पे न्यूरॉन्स के जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है या ड्रग्स है, कोई टैबलेट है, उसको देकर उसको स्टिमुलेट किया जा सकता है या उसको रिलैक्स किया जा सकता है। तो इन्हीं जो अलग अलग जो यहाँ पर आपको ब्रेन के जो पार्ट में जो सेंटर दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये इन सब का मिला जुला जुला रूप होता है, लेकिन इनके एक एक के प्रति रेस्पॉन्सिबल पर्टिकुलर कोई ट्रांसमीटर्स होते हैं। ऐसे ही ब्रेन में अनेक प्रकार के एरिया डिस्कवर किए गए हैं, जैसे मोटर एरिया में किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो मोलेंट्री मसल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, सेंसरी एरिया जो होता है वो स्किन सेंसिंग के लिए। तो इस प्रकार ये सभी एरिया पर्टिकुलर किसी न किसी कार्य के लिए, किसी फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमें कैसे पता चला, इसका कारण ये न्यूरोकेमिकल टेक्निक भी उसमें अपना योगदान दे रही है। सो अब ये समझते हैं कि जो न्यूरोकेमिकल टेक्निक में जो भी जो ड्रग्स ली जा रही है या कोई केमिकल्स लिया जा रहा है, उसका पाथ क्या हो सकता है। मीन्स बिहेवियर इज प्रोड्यूस व्हेन स्पेसिफिक केमिकल्स और मेडिकेशन कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड, यानी ये किस रूप में लिया जा रहा है। तो इसको ओरली भी लिया जा सकता है, यानी किसी भी दवाई को माउथ के द्वारा, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, माउथ के माध्यम से भी लिया जा सकता है। इसको हम इंट्रा वीनसली भी लिया जा सकता है। इसको हम और भी पाथवे हैं जिनके माध्यम से हम इनको ले सकते हैं, जैसे कि इंट्रा मस्कुलरली यानी मांसपेशियों के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से भी ले सकते हैं, इंट्रा पेरिटोनियली पेरिटोनियम के इंजेक्शन के माध्यम से भी लिया जा सकता है, सबक्यूटेनियस में भी ये लिया जा सकता है, और इसको डायरेक्टली ब्रेन में भी इंसर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने कई बार डॉक्टर के पास गए भी होंगे तो कई इंजेक्शन अलग अलग प्रकार के रखते हैं, कई मसल्स में लगाते हैं, तो कई बार सबक्यूटेनियस भी ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो इनकी स्थिति बताई गई है, जैसे कि मसल्स में पर्टिकुलर इसका जो नोब है वो मसल्स तक आया हुआ है, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू तक यहाँ पर इसका नोब आया हुआ है, डर्मिस रीजन में क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स होती है तो यहाँ पर जो इंट्रावेनसली जो है वो सीधे ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है, और एपिडर्मिस और डर्मिस के लगभग बीच के एरिया में से जो लगाई जाती है वो है इंट्रा पेरिटोनियली। तो इस प्रकार से ये अलग अलग पार्ट्स हैं जिसके माध्यम से जो भी केमिकल्स हैं वो बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। सो हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से, क्योंकि एज सच इसमें कोई स्पेसिफिक बात नहीं है कि न्यूरोकेमिकल टेक्निक्स में, बस हम उदाहरणों के माध्यम से इसको और समझ सकते हैं, इसको एलैबोरेट कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, कि इनका और क्या इफ़ेक्ट होता है, कैसे इनका इफ़ेक्ट होता है। सो हम सिंपली ये समझ सकते हैं, जो ड्रग्स ड्रग्स आर सेंट टू द ब्लड, जो भी ड्रग्स होती है वो हम माउथ के माध्यम से भी ले सकते हैं, तो वो फाइनली ब्लड में पहुंचती है, और ब्लड के थ्रू, क्योंकि ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, सो ब्लड के थ्रू विच द ड्रग्स रीच द ब्रेन, एंड व्हेन दे रीच द स्पेसिफिक टारगेट एरिया इन द ब्रेन, यूफोरिक फीलिंग इज डेवलप। वाट एवर जो भी हम ड्रग्स लेते हैं उस अकॉर्डिंग वो फीलिंग्स जनरेट होती है।
ड्रग्स आर डायरेक्टली इंजेक्टेड और पोर इनटू वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन टू पिन पॉइंट द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ द सेंटर। यस, यही तो वो बात है कि पर्टिकुलर ब्रेन के वो पर्टिकुलर लोकेशन वो या वो सेंटर की खोज कब हुई, क्योंकि उस पार्ट के इफ़ेक्ट को जब डिस्कवर किया गया या उस तरह की कोई ड्रग्स दी गई और उसका इफ़ेक्ट देखा गया, तो पर्टिकुलर उस इफ़ेक्ट के बाद में रेस्पॉन्ड क्या आया है उसके हिसाब से ये सेंटर की डिस्कवरी हुई है। एंड व्हेन द सब्जेक्ट रिपोर्ट्स फीलिंग गुड द रिसर्चर नो दैट द लोकेशन ऑफ द सेंटर और प्लेजर। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसी मेडिसिन दी है किसी पेशेंट को जिसको वो अच्छा फीलिंग कर रहा है, जैसे अफीम ली है तो उसको बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि ब्रेन के पर्टिकुलर उस प्लेजर सेंटर पर जाकर वो उन न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है जिससे कि एक प्लेजर की फीलिंग आती है इन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन। सो इसका सिग्निफिकेंस भी है, ऐसा नहीं है कि न्यूरोकेमिकल टेक्निक के हम अफीम बात कर रहे हैं, इतने सारे अल्कोहल की बात करें तो इनके फ़ायदे भी हैं। इनके फ़ायदे क्या हैं? द क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल यूजेज ऑफ सेडेटिव्स। कई बार पेशेंट काफ़ी उग्र हो जाते हैं तो उनको रिलैक्स करने के लिए ये दवाएं के रूप में काम में आते हैं। ट्रैंक्विलाइजर के लिए, किसी को बेहोश करने के लिए भी काम में लिए जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि अगर हम टाइगर को अगर कुछ मेडिकेशन देनी हो, अगर वो इंजर्ड है उसको मेडिसिन देनी है, तो उसके डायरेक्टली हम पास नहीं जाते हैं, उसको ट्रैंक्विलाइजर देकर, उसको बेहोशी के इंजेक्शन देकर फिर उसको मेडिकल कैंप में लाकर उसको ठीक करके वापस रिलीज़ किया जाता है। एंड अदर साइकोट्रोपिक मेडिसिंस भी यूज़ में की जाती है, क्योंकि कई व्यक्ति जैसे कि कोई डिप्रेस में चले जाते हैं या कईयों को एनेक्जिटी होती है या उत्सुकता होती है या उनको बेचैनी रहती है, तो उनको ठीक करने के लिए मेडिसिंस काम में आती है। तो इनके लिए एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एनेक्जिटी मेडिकेशंस आती हैं, स्टिमुलेट मेडिकेशन आती है, एंटी साइकोटिक्स एंड मूड स्टेबलाइजर्स। तो इस तरह की कई मूड को ठीक करने के लिए कि मूड ख़राब हो रहा है, ठीक है आपका थोड़ा सा जो माइंड है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, तो इस तरह की दवाएं भी, इनकी मेडिसिन भी वर्तमान समय में कई प्रकार के डिप्रेशन और इंसोमनिया यानी स्लिपनेसनेस यानी नींद नहीं आती है, तो इन सारी जो परेशानियाँ हैं उनको दूर करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता भी है। देर आर अनदर ड्रग्स विच स्टिमुलेट द मेंटल स्टेट। कुछ और भी दवाएं हैं जिससे कि मेंटल स्टेट एक्टिवेट होते हैं, गिव ए फीलिंग ऑफ एलुसिनेशन, जो कि हमें आभास कराता है, एक झूठा आभास कराता है, एंड ए वेरी गुड एडिक्टिव, जिससे उनकी हमें आदत भी हो जाती है, जैसे कि लाइसर्जिक एसिड, डाईइथेलामाइड जिसको हम LSD के नाम से जानते हैं, ये एक साइको मीमेटिक ड्रग्स होती है जिसको काफ़ी लोग प्रयोग में लिए जाते हैं, इसकी एडिक्टिव से काफ़ी नुकसान भी होता है। सो ये कुछ इम्पैक्ट हैं इन ड्रग्स के, ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो न्यूरोकेमिकल्स टेक्निक के कई सारे एग्जांपल्स हैं, तो हम एग्जांपल के माध्यम से भी इनको समझेंगे। द ट्रांसमिशन अक्रॉस सिनेप्सिस इज कैरी आउट बाई मीन्स ऑफ केमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि जो दो न्यूरॉन्स हैं उनके बीच में जो सिग्नलिंग होती है या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जो मैसेज जाता है वो न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से जाता है। सो ये मैसेज जैसे जाता है उस अकॉर्डिंग आगे न्यूरॉन्स रेस्पोंड करते हैं। देर आर सर्टेन ड्रग्स विच कैन ब्लॉक देयर एक्टिविटीज़ और देयर ओपन और स्टिमुलेट देयर एक्टिविटीज। वहाँ ड्रग्स के अकॉर्डिंग जो भी मेडिसिन दी गई है, जो भी दवाई दी गई है, उसके अकॉर्डिंग वो उस एक्टिविटी को ब्लॉक कर सकते हैं या उसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। ए पोर्शन ऑफ ब्रेन विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर इफ ट्रीटेड विद द एंटी न्यूरो ट्रांसमीटर और न्यूरो इनिबिटर विल इमीडिएटली ब्लॉक द एग्रेसिव बिहेवियर। जैसे कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको अचानक बहुत ज़ोरदार गुस्सा आता है, तो उनके गुस्से को शांत करने के लिए कुछ दवाएं ऐसी हैं जिससे क्या है, दो न्यूरॉन के बीच की जो सिग्नलिंग है वो बंद हो जाती है और उसको गुस्सा आना बंद हो जाता है। बिकॉज ऑफ, क्यों होता है ऐसा? ब्लॉकेज इन द सिनेप्टिक कंडक्शंस। दो न्यूरॉन्स के बीच में, जैसे कि दो न्यूरॉन्स हैं उनके बीच में जो मैसेज जा रहा था वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, इसलिए आगे मैसेज नहीं जाने के कारण वो अग्रेसिव जो बिहेवियर है वो शांत हो जाता है। तो आपको एग्ज़ाम में एक तो डेफिनेशन के बारे में लिखना है और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको
बताना है कि क्या क्या कंडीशन इसमें न्यूरोकेमिकल टेक्निक में हो सकती है। देन एक्यूरेट मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स इज इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स डायरेक्टली इनटू इट स्पेसिफिक ब्रेन साइट। ये पर्टिकुलर कोई भी जो बिहेवियर है वो पर्टिकुलर ब्रेन के एक पार्ट से एक लोकेशन से इफेक्ट होता है। इसको हम कई एग्जांपल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि फिशर नामक वैज्ञानिक ने 1956 में एक एक्सपेरिमेंट करके कुछ लोकेशन डिस्कवर किया है। इन फिशर इन 1956 शो दैट सेक्सुअल एंड मैटरनल बिहेवियर, ये दो बिहेवियर है, सेक्सुअल बिहेवियर लैंगिक व्यवहार और मैटरनल यानी मातृक जो व्यवहार होता है कैन बी इंड्यूस्ड बाय इंजेक्शन ऑफ माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स इनटू ए रीजन ऑफ रिलीज ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रीजन में सेक्स हार्मोन इंसर्ट करने से, बहुत कम मात्रा इंसर्ट करने से जंतु के द्वारा, किसी भी एनिमल्स के द्वारा उसके लैंगिक व्यवहार का और उसके मातृत्व व्यवहार को देखा गया है। इसका मतलब ये है कि सेक्सुअल और मैटरनल जो बिहेवियर है वो ब्रेन के हाइपोथैलेमस में स्थित इसके सेंटर पाए जाते हैं। कुछ और उदाहरण के माध्यम से भी हम इसको समझ सकते हैं कि जो न्यूरोकेमिकल टेक्निक्स में पर्टिकुलर एरिया ही इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया गया था ग्लूकोज सेंसिटिविटी को लेकर। द ग्लूकोज सेंसिटिविटी ऑफ द न्यूरोन्स ब्लड शुगर वाज रिप्लेस बाय ब्लड शुगर को गोल्ड थोई ग्लूकोज थायो थायो ग्लूकोज के द्वारा इसको रिप्लेस किया गया। सामान्य जो ब्लड में ग्लूकोज पाई जाती है उसको गोल्ड थायो ग्लूकोज के द्वारा, जिसको हम GTG के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा रिप्लेस किया गया। एंड द ऑर्गेनिज्म इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश दिस सब्सटेंसेस फ्रॉम ग्लूकोज, और जो ऑर्गेनिज्म है वो इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि ये अलग है, GTG अलग है और ग्लूकोज अलग है। उनको ये लग रहा है कि, या ऑर्गेनिज्म को ये लगता है कि ग्लूकोज GTG एक तरह का ग्लूकोज ही है। एज सून एज GTG इज टेकन अप बाय सेल्स विद ग्लूकोज रिसेप्टर इज डिस्ट्रॉय देम, जैसे ही ब्रेन में ये सेल्स के पास में पहुँचता है तो वहाँ सेल्स धीरे धीरे विथ ग्लूकोज रिसेप्टर इस डेस्ट्रॉय देम, ब्रेन की सेल्स को ये डेस्ट्रॉय कर देता है। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द सेल्स इन द वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस, ये रीजन है वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस ब्रेन में स्थित रीजन है, वर ग्लूकोज रिसेप्टर, ये ग्लूकोज रिसेप्टर की तरह काम करता है ये रीजन, और ये GTG की वजह से ये धीरे धीरे नष्ट हो जाता है एंड फॉर्म ए पार्ट ऑफ सेटाइटी सेंटर, और ये जो भाग है वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस ये सेटाइटरी सेंटर होता है। सेटाइटरी सेंटर का मतलब ये होता है एक तरह से तृप्ति केंद्र होता है, जिसको हम शांत, जैसे कि हमें भूख लग रही होती है तो जब हम खाना खाते हैं तो ब्रेन के पास में एक मैसेज आता है, मस्तिष्क के पास में एक मैसेज जाता है कि आपका पेट भर गया है, आपको खाना नहीं चाहिए। तो ये सेंटर है, ये यही वही मैसेज देता है, बट GTG इस सेंटर को नष्ट कर देता है, यानी सेटाइटी सेंटर को वो नष्ट कर देता है। आफ्टर दे वर डिस्ट्रॉय ये द एनिमल शो हाइपरफेजिक, अगर इस सेंटर को, सेटाइटरी सेंटर को नष्ट कर दिया जाए तो एक जिसमें ये सेंटर नष्ट किया गया है उस व्यक्ति के द्वारा कंटिन्यूसली उसको भोजन लेने की इच्छा रहेगी, यानी वो भोजन खाता ही रहेगा, उसको भूख लगती ही रहेगी, क्योंकि उसका सेटाइटरी जो तृप्ति सेंटर है वह ख़राब हो गया है इसलिए उसको। तो ये सब चीज़ कैसे खोज हुई, तो एक ही केमिकल के माध्यम से, जो कि यहाँ पर केमिकल के रूप में हमारे पास GTG है, गोल्ड थायो ग्लूकोज है, इससे हमने ये सेंटर का पता लगाया। तो न्यूरोकेमिकल टेक्निक्स में ये मदद करते हैं। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर भी एक तरह से न्यूरोकेमिकल के रूप में काम करते हैं, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग प्रकार के होते हैं। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। ए केमिकल रिलीज बाय वन न्यूरोन्स दैट अफेक्ट्स अनदर न्यूरोन एंड इफेक्टर ऑर्गन, एक न्यूरोन के द्वारा निकला हुआ ऐसा केमिकल जो या तो
दूसरे न्यूरॉन को प्रभावित करता है या किसी अंग को प्रभावित कर सकता है, वो मसल्स हो सकता है, कोई ग्रंथि ग्लैंड हो सकती है, ब्लड वेसल्स हो सकती है। जैसे कि ये न्यूरोट्रांसमीटर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकार को हम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जिसमें एसिटाइल कोलिन आपने सुना होगा, डोपामिन है, हिस्टामिन है, एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन, ग्लूटामेट, सीरोटोनिन एंड एस्पार्टेट, ये कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि किसी जो दूसरा जो न्यूरॉन होगा या तो उसको एक्टिवेट करेंगे या दूसरा जो ऑर्गन होगा उसको एक्टिवेट करेंगे। दूसरे टाइप के जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनको इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जिसमें कि गाबा शामिल है, जिसका पूरा नाम होता है गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। इसके अलावा ग्लाइसिन भी एक इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, यानी ये इन्हें सप्रेस, किसी भी सिग्नलिंग को सप्रेस करने के में मदद करते हैं। जैसे कि ब्रेन के छोटे से भाग में जो कि एक हाइपोथैलेमस है, उसमें इतने सारे सेंटर डिस्कवर हो हुए हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये अलग अलग कार्य के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है इंटरमीडिएट मास थैलेमस, ये थैलेमस का जो रीजन है, डोर्सल मेडियल न्यूक्लियस है, ये पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस है, वेंट्रोमेडियल न्यूक्लियस जो कि आपको ब्लूइश कलर में ये है मेमोरी बॉडी है, ऑप्टिक क्यास्मा है, इन्फंडिबुलम ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट हैं पूरा। तो ये जितने भी पार्ट हैं इनकी खोज कैसे हुई? ड्यू टू द केमिकल मैसेज के कारण। सो कुछ और भी एग्जांपल के माध्यम से भी हम इनको समझ सकते हैं, जैसे कि ए माइन्यूट अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन के बारे में अभी हमने समझा कि ये एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर होता है और ये एक्साइटेटरी टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये माइन्यूट अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोलिन इन द रेट हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस ड्रिंकिंग बिहेवियर। इसको देने से जंतु के द्वारा, जहाँ पर जंतु रेट है, रेट में ड्रिंकिंग बिहेवियर प्रदर्शित होता है, यानी वो पानी पीने की क्रिया को प्रदर्शित करता है। एसिटाइल कोलिन एक्साइटेड और स्टिमुलेटेड द ड्रिंकिंग सेंटर एंड एनिमल स्टार्ट ड्रिंकिंग। इस सेंटर को हम अगर एक्टिवेट कर देते हैं तो एनिमल कंटिन्यूसली पानी पीना शुरू करता है। और भी आरपी मिचेल ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, एडमिनिस्ट्रेड एस्ट्रोजन विथ स्मॉल कैन्यूला इनटू ब्रेन ऑफ फीमेल कैट। उन्होंने एक छोटी सी कैन्यूला के माध्यम से सीधे ब्रेन में एस्ट्रोजन हार्मोन को इंसर्ट किया फीमेल कैट में। व्हेन दे वर नॉट इन हीट, जब वो हीट का मतलब यहाँ पर यह है कि वो अपने ब्रीडिंग टाइम में नहीं भी हो, स्टिल द कैट रेस्पोंडेड इमीडिएटली बाय इनवाइटिंग टॉम कैट्स फॉर मेटिंग। यानी वो मेल जो कैट होती है, यानी नर जो बिल्ली है, उसको रिप्रोडक्शन के लिए यानी मेटिंग के लिए आमंत्रित करती है, रिप्रोडक्शन के लिए वो तैयार रहते हैं। एस्ट्रोजन वार इंट्रोड्यूस इन एंटीरियर हाइपोथैलेमस। वो जो एस्ट्रोजन है वो एंटीरियर हाइपोथैलेमस में जब दिया जाता है, तब ये व्यवहार एक फीमेल कैट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन इफ़ इट वाज पुट इन एनी अदर एरिया ऑफ द ब्रेन, लेकिन इस एस्ट्रोजन की जो माइन्यूट अमाउंट की, जो एस्ट्रोजन की जो मात्रा है, अगर एंटीरियर हाइपोथैलेमस के अलावा अन्य किसी भाग में ये इंसर्ट की जाती है, तब क्या होता है? इट डिड नॉट प्रोड्यूस दिस बिहेवियर, तो उस समय ये व्यवहार प्रदर्शित नहीं होता है। रेडियो एक्टिव एस्ट्रोजन इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम वाज एब्जॉर्ब बाय एंटीरियर हाइपोथैलेमस। ये इस बात से भी पता चलता है कि अगर हम रेडियो एक्टिव कोई एस्ट्रोजन हम ब्लड में इंजेक्ट कर दें और उसकी लोकेशन को हम देखें, तो जो पर्टिकुलर वो एस्ट्रोजन ब्रेन के हाइपोथैलेमस के एंटीरियर भाग में ही उसको एब्जॉर्ब होते हुए देखा गया है। सो ये पता चलता है कि जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस का जो भाग है वो एस्ट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और वो बिहेवियर के रूप में वहाँ पर रिप्रोडक्शन के लिए मैसेज देने का काम करता है। कुछ और एग्जांपल के माध्यम भी हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कि
टेस्टोस्टेरोन इज ए मेल सेक्स हार्मोन, ये हम जानते हैं। इफ इन ए मेल और फीमेल रेट इट इज इंजेक्टेड इनटू द सेंट्रल एरिया ऑफ द प्री ऑप्टिक रीजन, जो कि कहाँ पर है, फ्रंट ऑफ द हाइपोथैलेमस रीजन, यूजिंग ए फाइन इंजेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट एंड ए थिन कैनुला, द रेट ऑफ बोथ सेक्सेस एलिसिट मैटर्नल बिहेवियर, यानी ये दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही मैटर्नल बिहेवियर शो करते हैं, सो दे स्टार्ट बिल्डिंग नेस्ट, और वो अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये किसके लिए यूज़ किया गया है कि यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लिए प्रयोग किया गया है, कि अगर टेस्टोस्टेरोन जो कि एक मेल हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, उसको अगर चूहे के जो हाइपोथैलेमस में सेंट्रल एरिया ऑफ द प्री ऑप्टिक रीजन है, अगर वहाँ पर इसको डाल दिया जाए कैनुला के माध्यम से, तो उसमें मैटर्नल बिहेवियर, वो दोनों ही सेक्स में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ही मैटर्नल बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हैं। और उसका हमें रेस्पॉन्ड कैसे पता चलेगा, कि वो अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। यही तो हम इस टेक्निक में कर रहे हैं, कि हम न्यूरोकेमिकल के माध्यम से ब्रेन के पर्टिकुलर क्या, कौन से एरिया में किस केमिकल का, केमिकल का यहाँ पर मतलब वो हार्मोन भी हो सकता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है, उसके माध्यम से हम ये पता करते हैं। इफ टेस्टोस्टेरोन इज इंजेक्टेड स्लाइटली लेटरल टू द सेंट्रल एरिया ऑफ सेम जनरल ब्रेन रीजन, मेल एज वेल एज फीमेल स्टार्ट एग्जिबिटिंग मेल सेक्सुअल बिहेवियर। अगर हम इसको थोड़ा सा ही लेटरल साइड में अगर हम शिफ्ट कर दें सेंट्रल एरिया की जगह, तो ये जो बिहेवियर है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के द्वारा ही प्रदर्शित नहीं किया जाता। इसका मतलब ये है कि बिहेवियर जो होता है वो पिन पॉइंट होता है पर्टिकुलर जगह के लिए। तो ये केमिकल के माध्यम से ही हम समझ, नेक्स्ट हम समझते हैं, द केमिकल्स कैन अफेक्ट बिहेवियर इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से हमें प्रभावित कर सकते हैं, किसी जंतु को प्रभावित कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन देयर नेचर केमिकल एंड ड्रग। वो डिपेंड करता है कि उस ड्रग्स का नेचर क्या हो सकता है, उस केमिकल का क्या, किस तरह का हो सकता है, किसी ड्रग्स का क्या इफेक्ट होगा। तो इनको दो तरह से विभाजित किया गया है, फिजियोलॉजिकल एजेंट्स के रूप में, और दूसरा जो है उसको हम फोरेजिंग एजेंट्स के रूप में जानते हैं। फिजियोलॉजिकल एजेंट का मतलब क्या हुआ, जो हमारे शरीर में ही पाया जाए या पर्टिकुलर किसी एनिमल के शरीर में पहले से ही विद्यमान हो, उनके द्वारा भी वो केमिकल उसके व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, किसी जंतु के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, तो हम इसको फिजियोलॉजिकल एजेंट्स के रूप में या कार्य की कारक के रूप में, जिसमें कि एड्रेनिन है, हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है, ल्यूटामिक एसिड है, डोपामिन है और वैसोप्रेसिन, इसके अलावा और भी हमने जो पढ़े हैं जैसे कि गाबा है, ये भी फिजियोलॉजिकल एजेंट्स हैं, आर नोन एज फिजियोलॉजिकल एजेंट्स, दे आर प्रेजेंट नॉर्मली इन द बॉडी बट दे कंसिडर द ड्रग्स व्हेन एडमिनिस्ट्रेड इन कंसंट्रेट डोज। इनको हम अगर सांद्रित मात्रा में, कंसंट्रेट अमाउंट में अगर शरीर में इंसर्ट करते हैं, तो ये ड्रग्स के रूप में हम इनको कंसिडर करते हैं, और ये किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। दूसरा एजेंट्स है वो उसको फॉरेजिंग एजेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में या किसी एनिमल के शरीर में निर्मित नहीं होते हैं, इनको बाहर से इंसर्ट किया जाता है, जैसे कि रेसरपाइन है, बारबिट्यूरेट्स है एंड लाइसर्जिक एसिड है, ये इसी कैटेगरी में रखे गए हैं, दे आर नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इन द बॉडी, सो इनको बाहर से लिया जाता है और ये व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी क्लासिफिकेशन का टाइप है, अकॉर्डिंग टू अनदर क्लासिफिकेशन न्यूरो एक्टिव ड्रग्स कुड बी आइडेंटिफाई एज, इनको हम ट्रैंकुलाइजर के रूप में भी जान सकते हैं, यानी इनको शांत करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, ट्रैंकुलाइजर आर रिड्यूस एजिटेशंस एक्साइटमेंट एंड इमोशंस, इनको शांत करने के लिए, एनर्जाइजर्स और स्टिमुलेंट्स, इनको जैसे कि हम शामिल करते हैं कॉफ़ी, एम्फिटामिन, इनको ये दो हैं, इनको हम किसी एनिमल को स्टिमुलेट करने के लिए एनर्जी के रूप में इनको या स्टिमुलेंट्स के रूप में इनका प्रयोग करते हैं, दे टेंड टू प्रोड्यूस हाइपर एक्साइटेबिलिटी एंड आल्सो फैसिलिटेट सेंसरी एंड मोटर परफॉर्मेंस, दे कैन एक्ट एज एन एंटी डिप्रेसेंट्स, इनको हम एंटी डिप्रेसेंट की तरह ये
व्यवहार करते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है उसको हम हिप्नोटाइजर्स के रूप में काम में लेते हैं। इसमें हैं बारब्यूटेट्स आर द ड्रग्स दैट प्रोड्यूस सेंसरी एंड मोटर डिप्रेशन एंड डीप स्लीप इन लार्ज डोजेस दे कॉज अनकॉन्शियसनेस और इवन डेथ। कई बार क्योंकि इनकी अगर अधिक मात्रा में इनकी डोज हो जाए तो बेहोशी या कोमा या मृत्यु तक भी ये जा सकते हैं। कोई भी चाहे जिस एनिमल पे ये प्रयोग किया जाता है या जो इनको कंज्यूम करता है, तो इस तरह से इन ड्रग्स का विशेष इस्तेमाल ध्यान से करना चाहिए। न्यूरोकेमिकल टेक्निक में और भी नई समय के साथ में काफ़ी एडवांसमेंट इसमें हुए हैं। सो एक टेक्निक और इसमें जनरेट हुई है जिसको हम टोमोग्राफिक टेक्निक के नाम से भी जानते हैं, इसी के अंतर्गत शामिल करते हैं क्योंकि इस टेक्निक का हम प्रयोग केमिकल का प्रयोग करते हुए पर्टिकुलर एरिया के बारे में, पर्टिकुलर जगह के बारे में पता करते हैं। एनी मेथड दैट प्रोड्यूस इमेज, क्योंकि ग्राफिक टोमोग्राफिक टेक्निक इसमें हम इमेज जनरेट करते हैं। एनी मेथड दैट प्रोड्यूस इमेजेस ए क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी रिकंस्ट्रक्टेड बाय कंप्यूटर प्रोग्राम, जिसको हम पैट के नाम से जानते हैं यहाँ पर, जिसको हम पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी के नाम से जानते हैं, इज ए मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक विथ रिगार्ड टू द बिहेवियर, हैज रिसेंटली बीन यूज टू इन्वेस्टिगेट द वेरियस फंक्शन ऑफ द ब्रेन, जिसका प्रयोग हम वर्तमान में ब्रेन के अलग अलग कार्यों के लिए करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बड़ी मशीन में हमारे ब्रेन के कौन से भाग से कौन से कार्य इफेक्ट किए जाते हैं, इसके माध्यम से हम पूरा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या करते हैं, द पर्सन हु इज़ गोइंग टू बी टेस्टेड इज़ गिवन टू स्पेशल शुगर सॉल्यूशन, जिस पर्सन पे भी ये टेस्ट किया जाता है उसको पर्टिकुलर स्पेसिफिक शुगर सॉल्यूशन पिलाया जाता है, विच इज़ लेबल्ड विद द रेडियो आइसोटोप, जिसको कि रेडियो आइसोटोप से लेबल्ड किया जाता है। रेडियो आइसोटोप से लेबल करने से फ़ायदा ये होता है कि उसकी जो जिसको हमने रेडियो आइसोटोप किया है वो ब्रेन के जिस भाग में जाकर काम करेगा, कहाँ कहाँ पर वो दिख रहा है, उसकी इमेज हमें कंप्यूटर पर स्क्रीन पर हमें दिख जाएगी। सो विथ रेडियो आइसोटोप प्रोड्यूस एनी स्मॉल लो एनर्जी साइक्लोट्रॉन, ए डॉक्टर कैन आइडेंटिफाई एरियाज वेयर एक्टिविटीज आर आइदर नॉर्मल और अबनॉर्मल बाई फॉलोइंग ट्रेसेस ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटांसेस। रेडियो एक्टिव सब्सटांसेस की एक्टिविटी के आधार पर ये डॉक्टर्स को, जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, उनको पता चल जाएगा कि इनका बिहेवियर नॉर्मल रहेगा या एबनॉर्मल रहेगा या कौन से भाग में एबनॉर्मलिटी दिख रही है। द पैट स्कैनर मेजर्स द रेट एट विच वेरियस ब्रेन रीजन्स बर्न और यूज अप दिस पर्टिकुलर टेस्ट शुगर। द एक्टिविटी ऑफ द डिस्प्ले ऑन द टीवी स्क्रीन इन ए वेरियस कलर ऑन ए कंप्यूटर अटैच टू द पीटी पैट स्कैनर। पैट स्कैनर ये मशीन है, उसमें हमें एक कंप्यूटर के माध्यम से इस प्रकार की इमेज हमें मिल जाती है। इस हैज़ बीन इन्वेस्टिगेटेड बाई ए टीम ऑफ वर्कर दैट देर इज मोर ब्लड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज एक्टिवली कंट्रोलिंग बिहेवियर एट द पॉइंट ऑफ द टाइम, यानी जिस पर्टिकुलर बिहेवियर के समय जहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई है, इसका मतलब उस कंडीशन में, उस व्यवहार के दौरान सबसे ज़्यादा फंक्शन वो भागी शरीर का वो भागी कर रहा है। तो इस भाग से हमें इस बात से पता चलता है टाइम माध्यम से। तो जो पैट टेक्नोलॉजी है, जिसको पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी है, ये एक तरह से न्यूरोकेमिकल टेक्निक है। बस हमें इमेज हमें स्क्रीन के माध्यम से पता चल रही है और इसमें केमिकल का प्रयोग हम करते हैं। और भी एक्सपेरिमेंट किया गया है, आप जितना याद रख सकते हैं, इसमें एटलीस्ट आपको 3 एग्जांपल तो आपको ध्यान में रखना है जिसके माध्यम से हम ये प्रूव करते हैं कि न्यूरोकेमिकल टेक्निक में हम किसी केमिकल्स का उसका न्यूरोन से संबंध होता है। सो ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट और है जिसको भी हम समझ लेते हैं। इन ए एक्सपेरिमेंट और द ऑब्जेक्ट यहाँ पर्सन वाज अलाउ ओनली टू सी, एक ऐसे पर्सन को सिर्फ देखने के लिए कहा गया है कि आपको, एक पर्सन है जिसको ये कहा गया कि सिर्फ आपको देखना है। सो हम अगर उसके ब्रेन के पार्ट में देखें, द डार्क स्पॉट एट द बैक ऑफ द ब्रेन इंडिकेटेड दैट आईज ऑफ द ऑब्जेक्ट वर ओपन, क्योंकि उस समय
को इंसान सिर्फ देखने की प्रोसेस कर रहा है। सो सिर्फ ए की आप डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये ए जो डायग्राम है इसमें ये ऑक्सीपिटल रीजन है और ये विजुअल कॉर्टेक्स है, क्योंकि यहाँ जो स्पॉट ये जो बना है इतना बड़ा जो स्पॉट है ये कौन सा स्पॉट है, ये सिर्फ देखने के लिए, यानी जो देखने में प्रयोग किया जा रहा है ये भाग देखने के लिए विजुअल कॉर्टेक्स को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये कॉर्टेक्स का ये भाग होता है। सो ये एक डार्क स्पॉट के रूप में यहाँ पर एक ही भाग में हमें दिख रहा है। अब हम इसमें कंडीशन चेंज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट वाज अलाउड टू सी, ऑब्जेक्ट को हम देखने के लिए एंड हियर वर्ड्स फ्रॉम ए फ्रेंड, एक उसके दोस्त के साथ सुनने के लिए भी उसको अलाउ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ही हूँ, मैं कोई किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, साथ ही साथ मुझे अपने दोस्त की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। सो इस कंडीशन में मेरे ब्रेन रीजन में क्या होगा, ए डार्क स्पॉट अपीयर्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, तो ब्रेन के लेफ्ट साइड में एक डार्क स्पॉट बन जाएगा। वन साइड में, लेफ्ट साइड में, जैसे कि कंडीशन बी में हमें दिखाई पड़ रहा है कि लेफ्ट टेम्पोरल लोब में एक स्पॉट हमें दिखाई पड़ रहा है, साथ ही साथ हमें जो बैक साइड में जो स्पॉट है वो तो दिख ही रहा है, साथ ही साथ एक लेफ्ट में भी हमें स्पॉट दिखाई पड़ रहा है जो कि लेफ्ट हेमिस्फेयर रीजन में है। लेकिन साथ ही साथ डार्क स्पॉट इन फ्रंट इंडिकेट दैट द वर्ड्स हर्ड ब्रॉट द ब्रेन इमेजिनेशंस एंड प्लानिंग इनटू एक्शन विच इज़ ए फंक्शन ऑफ फ्रंटल लोब। अब यहाँ पर आगे की तरफ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी ये फ्रंटल लोब का जो भाग है इसमें भी एक स्पॉट दिखाई पड़ता है। तो मेरे दोस्त की आवाज़ मैं सुन रहा हूँ, मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख भी रहा हूँ, इसलिए देखने और सुनने के साथ में एक इमेजिनेशन बनी है जो कि उसकी इमेजिनेशन या जो हम प्लानिंग करते हैं ये फ्रंटल लोब के द्वारा किया जाएगा। तो आगे की तरफ ये स्पॉट बन जाता है। पहली कंडीशन में सिर्फ पीछे एक स्पॉट बनता है, आगे की कंडीशन में हमें और स्पॉट बढ़े हुए दिखाई देते हैं। थर्ड कंडीशन को हम बदलते हैं, इन थर्ड सिचुएशन द ऑब्जेक्ट वाज सीइंग, ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, और म्यूजिक भी हम सुन रहे हैं। अलॉन्ग विथ इमेजिनेशन एंड प्लानिंग म्यूजिक एप्रिसिएशन सेंटर ऑन द राइट टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन आल्सो गॉट एक्टिव। अगर हम देख रहे हैं, फ्रेंड की बात भी सुन रहे हैं, साथ ही साथ हम म्यूजिक भी सुन रहे हैं, तो इसके साथ साथ क्या होगा, राइट साइड में भी एक स्पॉट डेवलप हो जाएगा, लेफ्ट साइड में भी, यहाँ फोर्थ वाली कंडीशन में भी डेवलप हो जाएगा। लेकिन जो थर्ड कंडीशन है वो सिर्फ इतना ही कह रही है कि हम देख रहे हैं और म्यूजिक सुन रहे हैं, इसमें दोस्त की बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए यहाँ कोई स्पॉट हमें दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर सिर्फ ब्लैंक रहेगा, यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन फोर्थ कंडीशन में यहाँ पर स्पॉट आएगा, क्योंकि फोर्थ कंडीशन क्या है, जिसमें एक हमें देखना है, दोस्त की बात सुननी है और म्यूजिक भी सुनना है, इसलिए चारों तरफ से हमें स्पॉट दिखाई पड़ते हैं। सो इसको हम फिर से समझ सकते हैं, पहली कंडीशन में सिर्फ एक पर्सन को अलाउ किया है देखने के लिए, सो एक डार्क स्पॉट का निर्माण हुआ, सिर्फ सिंगल स्पॉट का निर्माण हुआ। सेकंड कंडीशन में उसको हमने कंडीशन दी है कि वो देखेंगे और कुछ अपने दोस्त के शब्द सुनेंगे, सो उसमें कुछ अलग इम्पैक्ट आएगा कि उसका लेफ्ट हेमिस्फेयर रीजन में भी एक स्पॉट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में उसने अपने दोस्त की बात सुनी है, इसलिए उसको इमेजिनेशन करनी पड़ती है और उसको प्लानिंग करनी पड़ती है, इसलिए उसको फ्रंटल लोब में भी स्पॉट दिखाई पड़ता है। तीसरी जो कंडीशन होगी उसमें वो देखता है या और म्यूजिक भी सुनता है, सो उसका म्यूजिक के लिए लेफ्ट जो राइट टेम्पोरल लोब है उसमें स्पॉट दिखाई पड़ता है, फ्रंटल लोब में स्पॉट क्योंकि वो देख रहा है और उसके साथ इमेजिनेशन एंड प्लानिंग भी कर रहा है। सो जो ऑन द राइट टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन आल्सो गॉट एक्टिव। लास्टली जो कंडीशन होगी
उसमें ऑब्जेक्ट लिसने द म्यूज़िक विथ वन ईयर, ऑब्जेक्ट जो है या ऑब्जेक्ट के रूप में अगर मुझे समझो तो मैं देख भी रहा हूँ, एक कान से सुन भी रहा हूँ, एंड हियर फ्रेंड विद द अनदर, और अपने दोस्त की बात भी मैं सुन रहा हूँ, यानी गाना भी सुन रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, अपने दोस्त की बात भी सुन रहा हूँ, एंड वॉज अलाउड टू सी द पैट इस कैन शो डार्क स्पॉट एट द ऑल साइड। सो ये फोर्थ कंडीशन है जिसमें चारों तरफ से ये हमें दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा भी और भी न्यूरोकेमिकल टेक्निक्स में नए समय के साथ में और भी डेवलपमेंट हुए हैं। अदर न्यू ब्रीड ऑफ द इमेजिंग डिवाइसेस लाइक हैव बीन डेवलप्ड विच एनेबल डॉक्टर्स एंड रिसर्चर टू वॉच द वाइटल ऑर्गन एट द वर्क अलोंग विद द ब्रेन एंड बिहेवियर, जिसमें कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी टेक्निक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, सोनोग्राफी है, डिजिटल सब्सट्रक्शन एंजियोग्राफी है जिसका हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम कुछ बातें इम्पोर्टेंट हैं, इनके नाम हमें जानने जरूरी हैं। ड्रग्स फॉर केमिकल इमोबिलाइजेशन ऑफ द लियोपार्ड, लियोपार्ड जो होता है उसको इमोबिलाइजेशन करने के लिए कुछ केमिकल्स, कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि केटामाइन है, टेलाजोल है, एंड मेडेटोमाइन डाइन है, मीडिन ड्रग्स हैं, इनको जो भी लेबर्ड है उनको इमोबिलाइजेशन करने में प्रयोग किया जाता है। ईच मेथड डिस्क्राइब हियर आल्सो ए मेरिट और डेमेरिट्स, हर एक मेरिट एक जो मेथड्स हैं उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, या किसी ड्रग्स के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। एडिक्शन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत रहती है, जो कि कई प्रकार के इफ़ेक्ट लंबे समय से प्रयोग करने के बाद में उसमें दिखाई पड़ते हैं। ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड बैलेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यूरल फंक्शन कैन बी गेन फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट टेक्निक। सो हमें एक बैलेंस इनका प्रयोग करके ही हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। सो इस टेक्निक में हमें कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हमें एग्जाम में बताना पड़ेगा, साथ ही साथ इसके डेफिनेशन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। कुछ ऐसे ही डिस्कवरी हुई है कि अलग अलग इम्पैक्ट ब्रेन के कौन से भाग में क्या इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि डोपामिन है, सीरोटोनिन है, हिस्टामिन है और एक्सिन है, तो कई प्रकार के जो ड्रग्स हैं वो ब्रेन के न्यूरॉन्स के पर्टिकुलर पार्ट को प्रभावित करते हैं और इंसान का जो बिहेवियर है या किसी जंतु के बिहेवियर है उसको प्रभावित करते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने का था नहीं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको बताया है। आप इसमें दो या तीन एग्जाम्पल के माध्यम से और इसके डेफिनेशन के माध्यम से आप इसको आंसर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो ठीक लगा होगा। थैंक यू टू ऑल।